नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। जी हां, योगी का मिशन बॉलीवुड, इस पर ही हम बात करेंगे। किस तरीके से मुंबई में हलचल मची है, बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में फिल्म सिटी बनने से फिर चिढ़ी है शिवसेना। मुख्य पत्र सामना में शिवसेना ने अपनी भड़ास जो है वो निकाली है। विरोध के नाम पर बाप पर अब शिवसेना जो है वो उतर आई है। उद्योग छीनना किसी के बाप के लिए संभव नहीं, शब्दों का इस्तेमाल देखिए शिवसेना कैसा कर रही है। बाप तक अब उतर आई है शिवसेना। फिल्म सिटी ले जाना चॉकलेट छीनने जैसा नहीं। योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि मैं कुछ छीनने नहीं आया हूं, कुछ नया देने आया हूं। बावजूद इसके अब शिवसेना जो है वो अपनी लड़ाई बाप तक ले आई है। जी हां, विरोध के नाम पर अब बाप शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से। उद्योग छीनना किसी के बाप के लिए संभव नहीं है। सामना में देखिए क्या कुछ लिखा है शिवसेना ने, ये हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य पत्र है सामना का और इसमें अब बाप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कल हमने देखा कैसे ठाकरे ब्रदर्स जो है वो तिलमिलाए हुए थे, मिर्ची लगी हुई थी। आपको दिखाते हैं, ये देखिए दिखा रहे हैं, ये संपादकीय है और इसमें ही छपा है। कोई कहता होगा कि मुंबई के उद्योग छीन ले जाएंगे तो ये किसी के बाप के लिए संभव नहीं है। मुंबई से उद्योग फिल्म सिटी उठाकर ले जाना मतलब किसी बच्चे के हाथ से चॉकलेट छीन कर ले जाने जितना आसान नहीं है। ये तमाम बातें सामना में लिखी गई हैं। योगी हट पर आ गए हैं और उन्होंने फिल्म सिटी को लेकर दिल पर ले लिया है। अब योगी आदित्यनाथ ने दिल पर लिया है या शिवसेना ने, यह आप इससे समझ सकते हैं। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, क्या कहेंगे, अब तो लड़ाई बाप तक आ गई है। देखिए, ये सोहबत का असर है और इसीलिए कहा जाता है बड़े बुजुर्ग के अच्छे लोगों की सोहबत में रहना चाहिए ताकि अच्छी चीजें सीखते हैं, समाज में अच्छी बातें करते हैं। शिवसेना की सोहबत चली गई ना, उन्हीं के साथ बांटों की राजनीति जो करते थे, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे की राजनीति करते थे, जो आतंकवादियों पर आंसू बहाते थे, उन्हीं के साथ शिवसेना भी चली गई। तो ये भाषा जो मैं कल से कह रहा हूं कि आखिर इनके पीछे कौन सा दबाव है, कौन लोग इन्हें दबाव दे रहे हैं ये बात बोलने के लिए, यही तो है अंडरवर्ल्ड और क्या है। तो इस तरह की भाषा बोलना पड़ रही है, ये जब तक हमारे साथ थे अभी ऐसी भाषा नहीं निकली इनसे, चार दिन में इनकी भाषा बदल गई। तो इनको सोचना होगा, समझना होगा और देश देख रहा है इस तरह के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। इसीलिए आदरणीय योगी जी ने कहा कि वहां की इंडस्ट्री पर जो दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है अंडरवर्ल्ड के जरिए, और सरकार पर भी दबाव अंडरवर्ल्ड का रहता है, वो उसका साफ संकेत है। जिस तरह का आज उन्होंने वक्तव्य अपना जो उनकी जो सामना में छपा है वो साफ इस बात को संकेत करता है कि वहां की सरकार वो नहीं चला रहे हैं, विदेशों से संचालित हो रही है। मूवी माफियाओं का साथ क्यों दे रही है शिवसेना, सर क्या लगता है आपको? देखिए, पहले भी इसमें काफी बातें निकल कर आई हैं, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व रहता है उसमें, जाहिर सी बात है इंडस्ट्री में दबाव रहता है निर्माता निर्देशक और एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस पर। वो बेचारे नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारे प्रिय होते हैं, हम पूरे देश के लोग उनको देखते हैं, मान सम्मान देते हैं। और इसी में आदरणीय योगी जी ने यहाँ पर वर्ल्ड क्लास की एक फिल्म सिटी बनाने के लिए जो योजना बना के और बता दिया कि हम वर्ल्ड क्लास की एक फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ जो भी आएगा वो उसको अच्छे संसाधन और सुरक्षा के साथ साथ सिक्योरिटी और गारंटी भी मिलेगी। तो इसलिए इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि दबाव उन पर ऊपर से ही है। उस बात को साफ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप स्वागत करिए ना अच्छी चीज का, हम इस पर ही कह रहे हैं कि हम इसे उठा कर ले जा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जो लोग इसके पीछे थे, जिनका दबाव रहा करता था, उनकी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। मोहसिन रजा जी, ये ऊपर का दबाव किसका, अंडरवर्ल्ड का, मूवी माफियाओं का या नशेड़ी गैंग का? देखिए, सीधी सीधी सी बात है कि ऊपर का दबाव वहां पर, चूंकि उनके साथ कांग्रेस है, समाजवादी सॉरी नेशनल पार्टी जो उनकी एनसीपी है वो है, तो वो दोनों का डीएनए एक ही है। वहां पर किस तरह का माहौल रहता था पहले ये सबने देखा है, लेकिन हम लोगों ने वहां पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो हमने बहुत कुछ सुधारने की कोशिशें की हैं और बहुत लोगों को सुधारा है, लेकिन जब से एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई है फिर वही चीजें वहां पर चालू हो गई हैं और उसका ये परिणाम है जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे जी या उनके प्रवक्ता।
शिवसेना का लहजा ऐसा नहीं होता था सर, लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है वो वाकई में लगता है प्रेशर है, और इसलिए कह रहे हैं हठ धर्म पर कैसे योगी आदित्यनाथ हैं ये भी नहीं समझा पा रहे। देखिए हमारे यहाँ जिस तरह का काम आदरणीय योगी जी कर रहे हैं उसको लेकर उन्हें अनुसरण करना चाहिए, सीखना चाहिए। दो दिन वहां थे हमारे मुख्यमंत्री, महाराज सरकार को लेकर बैठना चाहिए तो उद्धव ठाकरे जी को, और उनसे कुछ सीख लेते। क्योंकि अगर वो वहां गए थे कुछ देकर आए हैं, कुछ देने की बात करके आए हैं, कुछ लेने की बात करके नहीं आए हैं। हमारी और उनकी सोच में इतना अंतर है, हम किसी के बाप और माँ पर नहीं पहुंचते, हम सब देशवासियों को एक साथ एक समान और एक उसमें रख के चलते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर हम चलते हैं। हम लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं, अवसर देते हैं, विकल्प देते हैं। ये जो बयानबाजी का दौर चल पड़ा है सर, इसमें भाषा का स्तर गिर रहा है और शिवसेना की ये भाषा कतई सही नहीं है। देखिए हम लोग पहले भी हमने कहा कि हमारे तो संस्कारी लोग हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत संस्कारी होता है, हम संस्कारों में जीते हैं, अपनी संस्कृति और संस्कार को लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो वो ना तो वो संस्कृति के ही हो पा रहे हैं और ना ही संस्कारों वाली बात कर रहे हैं। जब तक हमारे साथ थे तो ठीक थे, लेकिन अब वो कांग्रेस और एनसीपी के और जो उन पर दबाव बनाने वाले लोग जिनके साथ वो लोग जाया करते हैं, कांग्रेस एनसीपी किसके साथ रही है, हमेशा से घड़ियाली आंसू बहाए हैं उन्होंने, और हमेशा वो लोग जो है जब जब आतंकवादियों को मारा गया है हमारी सेना के जरिए तो सेना का मनोबल गिराया है, अगर अंडरवर्ल्ड को मारा है तो अंडरवर्ल्ड को कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट किया है उन लोगों ने, तो इसलिए आज फिर वही चीज आ गई वहां निकलकर महाराष्ट्र में। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ ने शिवसेना पर अब निशाना साधा है। योगी के मुंबई दौरे से शिवसेना जो है वो घबराई हुई है, ये कहना है सिद्धार्थनाथ का, निवेशकों को प्रताड़ित कर रही है उद्धव ठाकरे की सरकार और इसीलिए उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो घबराई हुई है। ग्रेटर नोएडा में भव्य फिल्म सिटी बनाकर हम दिखाएंगे, विश्व की बेहतर फिल्म सिटी हम बनाएंगे, सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये बातें कही है। देखिए शिवसेना है वो योगी जी के मुंबई आने से बहुत घबरा गई है और ये साफ दिख रहा है जिस प्रकार का संजय राउत ने बयान दिया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, संजय राउत जी आपकी सरकार जो मुंबई में है वो लोगों को प्रताड़ित कर रही है, लोग आपसे खुश नहीं दिखते हैं। और उत्तर प्रदेश में जब से हमारी सरकार आई है, योगी जी की सरकार आई है, अन्य सभी निवेशक वहाँ पर आना चाहते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी है, पारदर्शिता है, नीति अच्छी है, नियत अच्छी है और इसलिए वहाँ पे लोग आ रहे हैं। और फिल्म सिटी कहाँ है वो आप जरूर आइएगा, आपको जरूर दिखाएंगे। और वहाँ पे फिल्म सिटी जो बनेगी भव्य बनेगी, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश ही नहीं वो विश्व की एक बड़ी एक अच्छी फिल्म सिटी जो है वो टेक्नोलॉजी आधारित आधुनिक बनेगी, इसका आपको वादा करते हैं। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप, 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।